केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली में सीलिंग रोकने का बिल पेश किया और इस बिल को पास कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बिल को पेश किया और दिल्ली के सभी सांसदों ने इस बिल पर अपनी सहमति जताई है। द दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट वॉज इनएक्टेड इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन। दिस बिल टूडे seeks to amend on an as is where is basis the law which was enacted in 2011. It was enacted extended till 2014, then up to 2014 it went to 2017, and today in 2017 act is being extended on an as is where is basis till 2020 31st December. The only two changes that are being brought in is that of the seven categories which I will read out, in one of the categories in respect to street vendors we already have separate legislation which will provide protection to street vendors. These seven categories are slum dwellers and jhuggi jhopri clusters, urban street vendors which is proposed to be omitted from the bill now, unauthorized colonies, village abadi areas including urban villages and their extensions, existing farmhouses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious and cultural institutions, storages, warehouses and godowns built on agricultural land and existing godowns, special areas, walled city extension and Karol Bagh, all other areas within the national capital area of Delhi. Madam, why are we seeking this extension? Speaking on this bill, my distinguished predecessor in December 2017 said that it will be his best endeavor not to have to come back to seek an extension. Sahi norms, sahi strategies aur sahi policy aur sahi kanoon ka nirman ho aur usi ke aadhar par jo Delhi ka development hai, redevelopment hai, wo ho paaye, is karan se iski miyad badhani pad rahi hai. Is case ke is khaas taur pe is kanoon ke andar jo survey ka pravdhan tha wo Delhi sarkar ko karna tha. Delhi sarkar ne apni मजबूरी बताई और इसके समय अनुसार वो नहीं कर पाए. दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 17 मई 2017 को एक इस प्रकार का एफिडेविट दिया कि उनको दो साल का समय 19 तक का समय और चाहिए और उसी के रहते उन्होंने ये चिट्ठी अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय को भी लिखी और उसी के रहते जो सर्वे की कमी है, जो डाटा की कमी है, उसके रहते उस पर काम नहीं किया जा रहा और इसलिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है. और इस अमेंडमेंट बिल में सही पॉलिसी के निर्माण के लिए जो समय चाहिए इसकी गुंजाइश है और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि रीडेवलपमेंट की जो प्रक्रिया चल रही है, 2021 का जो मास्टर प्लान है, उसके उपलब्धियां हम जनता के सामने ला सके और उस पॉलिसी को फाइनलाइज कर सके. मुझे दो बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज उस सरकार को 3.25 साल दिल्ली में हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार को, और वो गरीब लोगों का वोट लेकर उनको सपने दिखाकर यहां तक गद्दी पर पहुंचे, मगर 3.25 साल में दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई, दिल्ली में एक भी गांव का लाल डोरा नहीं पड़ा, दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले को मकान नहीं मिला. इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है. अगर आज कल छतरपुर एरिया में सीलिंग हुई, दो दिन पहले डिफेंस कॉलोनी की मार्केट में सीलिंग हुई, सारे दिल्ली में लोग डर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे, उनको लगता है कि कल मेरा नंबर आएगा, कल मेरी दुकान की सीलिंग हो जाएगी. मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास करा के और दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए, गांव का लाल डोरा बढ़ाने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिलाने के लिए, वो सभी को हम इस बिल में इंक्लूड करें, उनको राहत दें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं. कोई दिल्ली में स्लम पॉलिसी नहीं है, कोई दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी की पॉलिसी नहीं है.